नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आजकल जो इजराइल पूरी तरीके से छाया हुआ है, इजराइल और ईरान, उसी से जुड़ी हुई एक खबर और आज की है कि इजराइल ने यूएन के जो महासचिव हैं, यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, इनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है इजराइल आने पर। इजराइल ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है कि अब एंटोनियो गुटेरस इसराइल की धरती पर नहीं आ सकते हैं, अगर वो आएंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आइए समझाता हूँ कि पूरी आखिर खबर है क्या, इसराइल ने ऐसा कोई बैन क्यों लगाया है उनके ऊपर। दरअसल दोस्तों, क्या है कि इसराइल का कहना है कि यूएन के जो चीफ हैं ये पक्षपात करते हैं। दरअसल 2023 में जब 7 अक्टूबर को एक हमला किया गया था इसराइल के ऊपर हमास के द्वारा, तो उसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। उसमें ये समझ लीजिए बर्बरतापूर्वक काम किया था हमास के जो लोग थे, उन्होंने इसराइल के नागरिकों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और जान से भी मार दिया था। ये सब कुछ होने के बावजूद यूएन के जो चीफ हैं उस हमले की आज तक निंदा नहीं करी है। एक तो कारण ये है, दूसरा उसके बाद ईरान ने जब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे जुलाई के महीने में, तब भी ईरान को कुछ भी नहीं कहा था यूएन के चीफ ने, सिर्फ ये बोला था कि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है इसको रुकना चाहिए और किसी भी तरीके से शांति बनी रहनी चाहिए, ये बात बोली थी। कहीं निंदा नहीं करी थी ईरान ने जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर। उसके बाद जब इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन करने की बात करी लेबनान में, साउथ लेबनान में, तो एंटोनी गुटेरेस का साफ कहना था, उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट लिखा और उन्होंने ये बोला कि लेबनान की जो संप्रभुता है उसकी सबको रक्षा करनी चाहिए और उसकी संप्रभुता को सम्मान करना चाहिए, किसी भी देश के अंदर ऐसे घुसकर इसराइल को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए और शांति को बनाए रखना चाहिए, इस तरह की बात कर दी। और उसी के साथ आज जब रात में ईरान ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी सैकड़ों की तादाद में इसराइल के ऊपर, तो हालांकि इसराइल का कोई भी नागरिक उसमें मरा नहीं है, एक व्यक्ति मरा भी है तो वो फिलिस्तीन का है, तो वहीं पर इस हमले की भी निंदा नहीं करी है एंटोनियो गुटेरेस की। दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल साइज में तो बहुत छोटा देश है, जनसंख्या भी वहाँ पे बहुत कम है, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत रखता है ये दो देश जो है यूएन को अपने ठेंगे पर रखता है। ये यूएन में जाता है देश, वहाँ पे चाहे कितने भी वोटिंग हो रही हो इसके अगेंस्ट में, भले 150-200 इसके अगेंस्ट में वोट पड़ जाए, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता इस देश को, जो इसे करना होता है ये करके दिखा देता है। और वही ये देश आज यूएन के महा जो सचिव हैं, यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन पे सोचिए बैन तक लगा दिया है। ये और कोई देश नहीं कर सकता है, बहुत ही कलेजे का काम है, ये बहुत ही हिम्मत की बात है, ये इसराइल ने करके दिखा दिया है। और आपको बता दें कि ये एंटोनियो गुटेरेस के लिए भी एक सोचने की बात है कि वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था के चीफ हैं, अगर वो पक्षपात करेंगे तो दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा, इससे यूएन की जो मान सम्मान है उसमें कमी आती है, यूएन की विश्वसनीयता पर कमी आती है, लोग जो भी देश हैं यूएन का सम्मान करते हैं वो उसको संदेह की निगाह से देखेंगे, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए यूएन को, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस अगर सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते तो बात समझ में आती, लेकिन वो आज के टाइम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हैं, वो एक सीट पर बैठे हुए हैं, वो एक यूएन के चीफ हैं, एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ है करिए, ये कहीं से भी अच्छी नहीं है गुटेरेस जी के द्वारा जो भी किया गया है। वहीं अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल का भी गुस्सा ये जायज है, उसे भी ये आखिर फील होना चाहिए कि अगर उसके यहाँ हमला होता है तो एटलीस्ट उसकी निंदा तो करनी चाहिए। भारत ने जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल के ऊपर हमला किया गया था हमास के द्वारा, तो भारत ने बोला था उस वक्त कि ये जो हमला किया गया है इसराइल के ऊपर ये एक आतंकी घटना है, इसको आतंकवाद के साथ जोड़ करके देखना चाहिए, भारत ने इसका समर्थन किया था और इसराइल के साथ।
तो दोस्तों भारत ने तो अपना स्टैंड सबके सामने ला दिया था, वहीं एंटोनियो गुटेरेस ने जो ये किया ये कहीं से भी अच्छा नहीं किया है। तो इसराइल का ये बैन लगाना बिल्कुल जायज़ था। इसराइल के जो विदेश मंत्री हैं इसराइल हर्ट्स करके, इन्होंने ये बैन लगाया है और इन्होंने ऐलान किया है कि हम बैन लगाते हैं एंटोनियो गुटेरेस को कि अगर ये इसराइल की धरती पर आ जाते हैं तो इनको हम जेल में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।